उत्तर प्रदेश सरकार में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दिनेश खटिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने यह कहते हुए पद छोड़ा है कि वह दलित हैं, इसलिए उनकी नज़रअंदाज किया गया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए मेरी अनदेखी की गई। नमामि गंगा और घर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं दलित समाज से हूं, इसलिए मेरी बात नहीं सुनी जाती। मेरी अनदेखी से दलित समाज आहत है। मेरा कोई मंत्री के तौर पर अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए राज्य मंत्री के तौर पर काम करना दलित समाज के लिए बेकार है। न मुझे बैठक में बुलाया जाता है, न ही मुझे मेरे मंत्रालय में हो रहे कार्यों के बारे में बताया जाता है। मैं आहत होकर अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक के इस्तीफे की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि दिनेश खट्टिक अपने विभाग के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नाराज हैं। मंगलवार को खट्टिक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे, इसके बाद वह सरकारी गाड़ी छोड़कर मेरठ अपने घर चले गए। खबर तो ये भी है कि जल शक्ति विभाग में तबादले की उनकी सिफारिश नहीं सुनी गई और काम का स्पष्ट बंटवारा न होने से उनके पास करने को कुछ है ही नहीं। दिनेश खट्टिक ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था, वही अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में दलित मंत्री के साथ हो रहा भेदभाव। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने अमित शाह को पत्र लिखा, बयां किया अपना दर्द। यही है भाजपा का असली चेहरा, जो पिछड़े दलितों के साथ हमेशा भेदभाव करती है और उनका अपमान करती है। यही है भाजपा का असली चेहरा। क्या आप भी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप दवा करा करा कर थक चुके हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है? तो निराश होने की आपको कोई जरूरत नहीं। हर बीमारियों से छुटकारा पाएं, आज और अभी फोन उठाएं और वैद्य राम सागर चौहान जी का नंबर 9455149005 डायल करें और अपनी समस्या बताएं। घर बैठे दवा मंगवाएं, फायदा होने की फुल गारंटी। वैद्यराम सागर चौहान करीबन 30 सालों से लगातार आयुर्वेद की दुनिया में काम कर रहे हैं और अब तक कई लोग इनकी दवाई से ठीक हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हर बीमारियों से निजात पाएं।